यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद हर जगह जश्न का माहौल बना था। हर समुदाय वर्ग के लोग मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे थे। वहीं बीजेपी की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों में शामिल था बाबर अली। लेकिन बाबर अली को क्या पता था कि बीजेपी के जश्न की उसकी खुशी आखिरी खुशी में तब्दील हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर में चुनाव में जीत की खुशी अचानक मातम में बदल गई। मामला रामकोला थाने के कटघरही गांव का है, जहां मुस्लिम युवक बाबर की उसके पट्टीदारों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। बाबर ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया और बीजेपी की जीत पर बाबर ने गांव में जमकर मिठाई बांटी। भाजपा का प्रचार करने और मिठाई बांटने पर पट्टीदार उससे नाराज हो गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इलाज के दौरान बाबर की अस्पताल में मौत हो गई। किसका लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे, और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर, उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के इतने प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था। बताया जा रहा है कि अपनी दुकानदारी से समय निकाल कर बाबर अली बीजेपी के लिए प्रचार करते थे, जो उनके पट्टीदारों को नागवार गुजरा। कई बार दबाव बनाने पर भी बाबर ने अपने पट्टीदारों की बात नहीं मानी और बीजेपी का समर्थन करते रहे। वहीं 10 मार्च को मतगणना के बाद बाबर ने लोगों को मिठाई खिलाई तो पट्टीदारों का गुस्सा और बढ़ गया। 20 मार्च को दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। इसके बाद पट्टीदारों ने उस पर हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, इस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा FIR लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। अभी इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं, विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा, और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी से। उधर मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने कुशीनगर के कटघरही गांव के श्री बाबर जी की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबर अली के निधन पर शोक जताया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।